देखिए, मेरे जीवन में जिन विचारकों का बड़ा गहरा प्रभाव रहा, साहित्य में तो मैं कह सकता हूँ कि शायद सर्वाधिक प्रभाव गालिब का रहा और बाद में अग्गे का, लेकिन विचारों पर और दूसरी चीजों को समझने में मेरी बहुत रुचि थी, राजनीति को, समाजशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को, इन सब चीजों को, तो उनको देखने में, समझने के अंदर, और धीरे धीरे फिर जब पढ़ा उनके बारे में, तो जिन विचारकों का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण महात्मा गांधी, और इसलिए मैंने बहुत गहराई से उनको पढ़ा, लगभग सारा गांधी पढ़ा, लगभग जो वॉल्यूम्स मेरे सामने आए हैं उन सारे, और उनके बारे में जो लिखा गया है वो काफी पढ़ा। फिर अचानक मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि एक व्याख्यान गांधी पर आप दे दीजिए, एक व्याख्यान माला चलती थी वहां पर, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 3 व्याख्यान गांधी पर विस्तार से दिए, एक उनके दार्शनिक विचारों को लेकर के, जिसमें अहिंसा को मुख्य दार्शनिक आधार क्या है उनके, इसको बताया। फिर एक उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर के, उनकी राजनीतिक उसको लेकर के, और फिर 2-3 लेख मैंने जो और लिखे थे अन्यतर वो उसमें शामिल किए। तो सभ्यता का विकल्प नाम से वो पुस्तक प्रकाशित हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब ठाकुरदास बंग जैसे पुराने गांधी ने उस किताब को पढ़कर ये लिखा कि मैंने इस विषय पर इससे बेहतर पुस्तक आज तक, और मैंने वो हिंदी में लिखा, मैंने अपना सारा काम हिंदी में किया सिवाय अपने इतिहास के रिसर्च के, तो सब हिंदी में किया। जब मैं गांधी पढ़ रहा था उन्हीं दिनों में, और दूसरे कुछ विचारक थे, मार्क्स को भी मैंने बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश की, मैं बहुत सी चीजों में सहमत भी हूं उनसे और बहुत सी चीजों में असहमत हूं, लेकिन उनको बहुत गहराई से पढ़ा। मैंने बहुत गहराई से एमन राय को पढ़ा और फिर रामनंदन रोहिया को पढ़ा, तो मुझे लगा कि इन सब लोगों में बहुत सी चीजें बहुत कॉमन है, और अगर एक मार्क्स वाली बात छोड़ दी जाए तो लगभग सारे लोग अहिंसा पर जोर देते हैं। तो अहिंसा के सिद्धांत क्या हैं, अहिंसा के दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, अहिंसा की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब चीजों के बारे में मैंने काफी पढ़ने और समझने की कोशिश की। और फिर मैंने संयोगवश मुझे एक अवसर मिल गया, तो मैंने एक अहिंसा विश्वकोश का संपादन किया, जिसमें करीब 300 समझिए कि प्रविष्टियां हैं, और वो लगभग आप समझिए कि 800 पेज का है, जो प्राकृत भारतीय एकेडमी जयपुर से प्रकाशित हुआ, उन्हीं के लिए मैंने ये काम किया था, और उसमें लगभग आधी प्रविष्टियां मैंने लिखी है जो कई विषयों से संबंधित है। तो इन सब विचारकों से और इन सब विषयों को जो पढ़ने का मुझे अवसर मिला, उसका लाभ ये हुआ कि मैं वो पुस्तक तैयार कर सका, और बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको, दूसरा संस्करण भी उसका आ गया संस्करण। और तो एक तरीके से मुझे लगता है कि गांधी के प्रति जो मेरी रुचि थी वही बढ़ती चली गई, और उसी में फिर गांधी के दूसरे विषयों पर भी, न्याय के बारे में गांधी का क्या विचार है, महिलाओं के बारे में गांधी का क्या विचार है, और दूसरे अन्य जो चीजें हैं उनको एक बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से, ये नहीं कि मैं लगातार तारीफ किए चला जा रहा हूं, आधुनिकतम जो शोध हुई है समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में और दर्शन में, उन सबको आधार बना करके, विज्ञान में उन सबको आधार बना करके मैंने गांधी को समझने की कोशिश की, और उसके बारे में लगातार लिखता रहा हूं। और मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र और गांधी और अहिंसा और ये सब एक ही चीज है, तो इस कारण से और अभी भी थोड़ा बहुत मैं वो काम करता रहा हूं, IIIT में भी मैं यही सारे विषय पढ़ाता हूं, मानवाधिकारों में भी मेरी रुचि बनी गांधी को पढ़ते हुए, और अब मैं दावे से कह सकता हूं कि मानवाधिकार की संकल्पना में और गांधी में कोई फर्क नहीं है उनके दर्शन। अगर दुनिया मानवाधिकार की संकल्पना को मान रही है तो इसका अर्थ है वो प्रकार अंतर से गांधी को ही मान रही है।